उत्तर प्रदेश में निवेश के जरिए रोजगार के अवसर पैदा करने की योजनाओं पर अब काम और तेज हो गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो 34 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले थे, उन्हें जमीन पर उतारने की कवायद भी शुरू हो गई है। योगी सरकार अक्टूबर में पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित करेगी। इसमें 10 लाख करोड़ रुपए तक के निवेश प्रस्तावों को अमल में लाए जाने की तैयारी की जा रही है। औद्योगिक विकास विभाग ने आयोजन का खाका तैयार करना शुरू कर दिया है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने भी भूमि पूजन समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। लेकिन निवेश जमीन पर उतरेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, उससे पहले ही सियासत तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने ऐसा ट्वीट किया जो भाजपा नेताओं को बेहद चुभने वाला है। उन्होंने लिखा, भाजपा सरकार जिन निवेशकों के भरोसे यूपी के निजी क्षेत्र में रोजगार देने का झूठा दावा कर रही है, वो तो स्वयं लापता है। और रही बात सरकारी नौकरी की, तो पहले संविदा वालों को ही समायोजन करके दिखा दे, अब युवा भाजपा को बेरोजगार करेगा। देखो, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में आज अपराध न्यूनतम स्तर पर है, और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में पूरे दुनिया के निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आतुर हैं, निवेश कर रहे हैं। जहाँ तक अखिलेश यादव जी का विषय है, अखिलेश यादव जी के विषय में डेवलपमेंट कोई मुद्दा था नहीं। जिस प्रकार से वहाँ अराजकता थी, अनिश्चितता का उत्तर प्रदेश में माहौल था, दंगाइयों का राज था, उसके निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि उस समय कोई निवेश करने यहाँ आना, क्योंकि निवेशकों के लिए सुरक्षित वातावरण बहुत आवश्यक है। निवेश को लेकर योगी सरकार का मिशन पहले दिन से ही दिखाई दे रहा है, लेकिन जब जब बात निवेश की आती है तो अखिलेश चुभने वाले सवाल उठाते हैं, लेकिन हकीकत क्या है उसे भी समझना होगा। साल 2018 में योगी सरकार को अपनी पहली इन्वेस्टर समिट में 4,68,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मिले थे। इन्हें अमली जामा पहनाने के लिए 3 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की गई थी। सरकार का दावा है कि करीब 4 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जमीन पर उतरे। सरकार का दावा एक तरफ और सियासी हमले दूसरी तरफ। इस बीच एक बार फिर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का माहौल तैयार है और सियासत इस बार भी धमाकेदार होगी।